अपन सेंटिमेंटल नहीं रहे, फुल मेंटल। क्या माँ बाप भाई बहन कुछ नहीं, ज्यादा चिल्ला नहीं, ज्यादा चिल दो। शर्मा जी को कुछ मत कीजिए प्लीज, शर्मा जी को छोड़ दीजिए। प्यार ले लो रे, ले लो जल्दी से। ए मिठाई वाली, हमारा ड्रग्स ला के दे वरना ये मदर इंडिया गई। मैं अभी ला के देती हूँ। रीता तू इन्हें अपने मकसद में कामयाब मत होने दे। तू ड्रग्स मत दे इन्हें, ड्रग्स वो चीज है बेटा जो देश को खोखला कर देती है, उसकी जड़ों को खोखला कर देती है। तू मेरी चिंता बिल्कुल मत कर, अभी पुलिस आएगी ना इन्हें पकड़ के जेल में डाल देगी। तू मत कर कुछ भी। बुढ़िया चुप, भाई प्लीज कुछ मत करिए। मैंने कहा ना आपके सारे ड्रग्स, वो सारा माल यहीं पर है, मैं अभी लेकर आती हूँ। प्रीता मत ला, ड्रग्स है उसमें। अब कोई शानपति मत करना, अरे देश की जड़ें खोखली हो जाएंगी, मुझे कुछ नहीं होगा बेटा। इसमें आपका सारा माल है, ये देखिए। ये चेक कर माल। क्या करूं, इन लोगों की हेल्प करूं क्या? नहीं नहीं छिपके ना तमाशा देखती हूँ। क्या पता आज मेरा लक इतना अच्छा हो जाए कि प्रीता को ही कुछ हो जाए और मुझे मेरा करण मिल जाए। ये आप ले लीजिए प्लीज, मेरी माँ को छोड़ दीजिए। नहीं दिख रहा कि प्रीता को मत छुआ। गिरफ्तार कर लें सबको। लेकर आओ उन्हें। बोल ड्रग्स कहाँ है? मालूम नहीं। बता ड्रग्स कहाँ है? कौन सा ड्रग्स? बोल ढोल में चेक करो जरा। यही वो ड्रग पेडलर्स हैं जिन्हें हम काफी दिनों से ढूंढ रहे थे। बरसों से हमें इनकी तलाश थी। ये पूरे शहर में ड्रग्स का कारोबार कर रहे थे पर सप्लायर का हमें पता नहीं चल रहा था। आज आप लोगों की वजह से पुलिस ने इन्हें अरेस्ट कर लिया। थैंक्स अ लॉट।
ले जाओ इन सबको। कहाँ है पीहू? 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 ऋषभ जी यहाँ है। शिशि तुमने यहाँ छुपा दिया पीहू? हाँ मतलब हाइड एंड सीक वाला छुपाया है, कुछ बड़ा नहीं छुपाया है। अरे वाह कुकू कैसे आए आपके पास, आप तो अकेले थे। कुकू तो डर लग गया था ना, तो मैं इसको अपने पास लेके आ गई। अब मैं समझा इसका नाम कुकू है। कैसा है, अच्छा है ना? हाँ अच्छा तो है, लेकिन पीहू वाले नेम से थोड़ा कम अच्छा है। पीहू ज्यादा अच्छा है, आपको नहीं लगता? अच्छा चलो आओ, आराम से आराम से। आप रहने दीजिए ऋषभ जी, मैं इसे उठा लूं। अच्छा इसको रखो यहाँ पर। शिशि देखो कॉकरोच, 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 देखो देखो देखो। क्या कॉकरोच? That's like a good girl. ऋषभ जी ये गलत है। क्या गलत है? अच्छा वो जो मैंने अभी किया वो तो मैं तुम लोगों से सीख रहा हूँ ना, तुमसे, सैमी से, करण से। चीटिंग करना वो तो मैं नहीं करता, जीतना। You know, sometimes I also feel like winning. क्यों पीहू है ना? क्या तुम्हें बुरा लगा? अच्छा पता नहीं क्यों पीहू मुझे ना उदास लड़कियां बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है ना। तो ठीक है तुम आप सृष्टि दीदी के पास चले जाओ। लो अच्छा मासी के पास। सृष्टि मासी को बोलो अब तुम मुस्कुरा दो। अब तो मुस्कुरा दो। आप अब भी नहीं मुस्कुरा रहे, क्या हुआ? कुछ नहीं। सृष्टि जो तुम अफवाह उड़ा रही थी ना मेरे अफेयर के बारे में वो झूठी है। मेरा किसी के साथ कोई अफेयर नहीं है। हाँ क्यों, क्या क्या देख रही हो? उसने आपकी आंखों में देख रही हो। हाँ मुझे पता है मेरी आंखों में देख रही है, लेकिन क्यों देख रही हो? वो एक्चुअली किसी भले साइंटिस्ट ने कहा है कि जब इंसान झूठ बोलता है ना तो उसकी आंखों की पुतलियां छोटी हो जाती है। Oh, really? ऐसी बात है तो फिर तो मुझे पास आके आंखें बड़ी करके फिर दिखाना पड़ेगा ना तुम्हें। ठीक है मैं रिपीट करता हूँ, मेरा किसी के साथ कोई अफेयर नहीं चल रहा है, एंड आई स्वेयर ऑन दैट। मैं एक्चुअली वैसा लड़का हूँ ही नहीं। ऋषभ जी आपकी आंखों की पुतलियां तो छोटी हुई नहीं। Thank God, छोटी नहीं हुई। इसका मतलब आप सच बोल रहे हैं। I'm so sorry, ऋषभ जी, मैंने आपको गलत समझा। वो तो पहले आपने जो बोला था वो झूठ बोला था, वो अफेयर वाली बात। हाँ पहले कब? तुमने मुझे मॉम और करीना बुआ से बात करते तो नहीं सुना था? नेक्स्ट टाइम कोई भी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो ना जो तुम कुछ पूछनी हो तो सीधा मेरे पास आना और मुझसे पूछना है कि ऋषभ जी मैंने ऐसा सुना या ऐसा देखा, क्या ऐसा है, और फिर मैं तुमको बताऊंगा कि ये सच नहीं है या सच है। ठीक है? मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ऐसी गलतियां नहीं करता हूँ, लेकिन मैं कभी कभी कर भी देता हूँ। चलो आप आ रहे हो। ऋषभ जी कितने अच्छे हैं ना। ऋषभ जी कितने अच्छे हैं ना। बदमाश पप्पी दो किसी दो। चलो पीते को मत छुआ। क्या हुआ, क्या हुआ, इतनी सैड क्यों लग रही हो? हाँ अब तुम कुछ नहीं बोलोगे, मैं बोलूंगी और तुम सुनोगे। इतना गुस्सा क्यों आता है तुम्हें? पता है तुमने क्या हालत कर दी थी उसे मार मार के उसकी? ऐसे क्यों करते हो? तुम्हें पता है ना वो गुंडे थे, उनके पास गन्स थी, वो पता नहीं किस किस चीज में ट्रेंड होंगे। इन लोगों के सीने में दिल नहीं होता है, कुछ भी कर सकते हैं, इनके साथ ऐसे पंगा नहीं लिया जाता है। लेकिन तुम नहीं समझोगे तो जाने दो। क्या
पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम अपने आप को समझते क्या हो? बोलो। ओके, मैं बोल सकता हूँ। तुम नहीं कहा था ना कि चुप रहा तो चुप खड़ा था। ओह गॉड, तो परमानेंटली चुप होने के लिए नहीं कहा था। वो जो मैं सेंसिबल बात करती हूँ, तुम बीच में चटर पटर करते रहते हो ना, वो नहीं करने के लिए कहा था। अब मैं तुमसे सवाल पूछूंगी तो जवाब तो दोगे ना। अब मुझे बता कि तुम अपने आप को समझते क्या? करण लूथरा, करण लूथरा समझता हूँ अपने आप को। ओके, अब तुम्हारे सामने फिट एंड फाइन खड़ा, कुछ नहीं हुआ मुझे। आई एम फाइन। और मैं करण लूथरा हूँ। ओके, मैं किसी से पिटता नहीं हूँ, पीटता हूँ। हाँ तो देखा मैंने किस तरह तुम उन गुंडों को मार रहे थे। अरे अगर किसी को बहुत ज्यादा लग जाती या कोई मर जाता तो क्या तुम्हें पता नहीं है कि उसकी सजा क्या होती है? हाँ, तो इसलिए कुछ लोग जो मुझे पसंद नहीं है जिंदा आज तक। तुम्हें हर चीज मजाक लगती है ना? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ यार। पीछा, एक बात कहना चाहता हूँ, तुम्हें कोई कुछ भी कहेगा ना, मैं चुप नहीं बैठूंगा। मारा ना उसे, और मारूंगा, और ज्यादा मारूंगा। यार मैं सहम जाता हूँ इस ख्याल से भी कि तुम्हें कुछ हो जाएगा। That's why I reacted. मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आगे से थोड़ा सोच के रिएक्ट करना, एकदम इम्पल्सिव डिसीजन मत लेना। कुछ भी करने से पहले इतना तो सोच लिया करो कि तुम्हारी फैमिली है, मॉम है, डैड है, बजट बटी सही, लेकिन वाइफ तो है ना, और अब तो पीहू भी है। या तो तुम इतना गुस्सा क्यों? आई मीन, मैं बाहर तो गले लगा लिया तुमने। हाँ हाँ, क्योंकि तुम ठीक हो देखकर मैं खुश हो गई थी ना। ओ, तो अब तुम खुश नहीं हो कि मैं ठीक हूँ? हाँ, चुप करो। लगती है यार, come on। अच्छा, ये लग रही है। और वो गुंडों के साथ मार पिटाई कर रहा था, वो नहीं लग रही थी? हाँ, अगर वो पलट के मारते तो वो नहीं लगता? मुझे मारते ना, ट्रिपल डोज देता पिटाई का, समझ रही हो? तुम नहीं समझोगे, पता नहीं मैं तुम्हें समझा भी क्यों रही हूँ। हर बात का जवाब है तुम्हारे पास, जा छोड़। अच्छा ठीक है, अब तुम इतनी नाराज हो तो मुझे बताओ क्या करूं जिससे तुम चुप रहो। मुझसे बात ही मत करो, फिर मैं शायद अपने आप ठीक हो जाऊंगी। ओके। जा कहाँ रहे हो? यहीं खड़े रहो, लेकिन मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना, और कहीं जाना भी मत। जान मन गई मेरी, तुम्हें कुछ हो गया ना तो मार जाऊंगा मैं। ऐसे नहीं कहता। दिखा। कुछ नहीं है। अपना हाथ दिखा। कुछ नहीं है प्रीता। चलो मेरे से। अरे लेकिन इधर बैठो। कुछ नहीं हुआ है यार।
हे कृतिका आना। भाभी वो सॉरी डिस्टर्ब कर दिया, बाद में आती हूँ मैं। अंदर आ। सॉरी डिस्टर्ब कर दिया ना आपको। अरे इनफैक्ट तू बिल्कुल करेक्ट टाइम पे आई है, ये डांट रही थी मुझे। हाँ भाभी फिर तो पक्का गलत टाइम पे आई हूँ, सॉरी। आप कंटिन्यू कीजिए, क्लास लीजिए इनकी, ये डिजर्व्स इट। ओ हेलो, तू इसकी साइड ले रही है? हाँ मैं अपने भाई की साइड नहीं लूंगी, मैं आप ही की साइड ले रही थी। मैं तो इतना ही कह रही थी कि भाभी थोड़ी और डांट लगा दो, डिजर्व्स इट। ओए अरे वैसे भाभी एक बात तो बताइए, मेरे दी करण लूथरा ब्रो को डांट क्यों पड़ रही थी आपसे? मैं बताता हूँ ये क्या बताएगी। एक्चुअली मुझे कह रही थी ये मेरे बगैर जी नहीं सकती। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही थी। Oh, what nonsense यार, अभी तुम कह रही थी कि अगर मुझे कुछ हो जाता तो तुम्हारा क्या होता? एक मिनट, इसमें आधी लाइन मैंने बोली, आधी इन्होंने खुद जोड़ी। तो आधी का पूरा मतलब तो मैं ही बताऊंगा ना। अच्छा जब पूरा मतलब बता रहे हो तो पूरी बात बताओ ना, कि मैं तुम्हें नहीं डांट रही थी। ओह हेलो, एक नंबर की झूठी है ये, सच में मुझे डांट रही थी। मैं झूठी? उसको अच्छे से बताया कि तुम झूठी। एनीवे ये हमारे बीच की बातें तो चलती रहेंगी, तुम बता तुम कुछ कहना चाहती थी? ये कहना चाह रही थी कि हम दोनों ना बड़े क्यूट हो। एनीवेज मेरे टॉम एंड जेरी भाई भाभी डिनर के लिए बुलाने आई थी, चले? हाँ हाँ चल। चलो यार मुझे भूख भी लगी है। हे माता रानी, आप मेरी प्रीता और करण पर अपना हाथ बना के रखना, अपना आशीर्वाद उन्हें हमेशा देते रहना। प्रीता और करण की जोड़ी आपने ही बनाई, जैसा प्यार विश्वास उन दोनों के बीच में है ना, उस पर अपना आशीर्वाद रखना। हे माता रानी। ये सही है मम्मा क्या? अरे थोड़ा क्रेडिट तो मुझे भी मिलना चाहिए। अरे ऐसे क्या देख रहे हो? आपको पता है ना मैं कितनी बार प्रीता दी को बोलती थी कि आप करण जी से प्यार करते हो करते हो करते हो, लेकिन नहीं, वो हमेशा मना करती थी। अरे मेरे बार बार बोलने पे उनकी ना हाँ में बदल गई है, मेरी वजह से दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और आज उनकी शादी भी हो गई। तुम तो दिमाग ही खराब है तेरा, कुछ भी बोलती है। अरे उन दोनों के बीच में कितना प्यार है, भगवान ने उनकी जोड़ी ऊपर से बना कर भेजी, कितना प्यार है लेकिन दिखाते नहीं, पर दिख जाता है। यार मम्मा आपसे एक रिक्वेस्ट है। क्या? प्लीज जब आप इनकी लव स्टोरी किसको बताओगे ना, तो प्लीज शुरू से बताना, रियल स्टोरी बताना। मतलब पूरी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोगों को फिर पता चल जाएगा ना कि पहले करण जीजू का दिल, करण जीजू पे दिल मेरा आया था, लेकिन मैंने अपनी बहन के लिए सैक्रिफाइस किया। दिमाग खराब, अपनी जीजा के लिए ऐसी बातें करी? अपनी जीजा के लिए कोई ऐसी बात करता है? मम्मा मजाक कर रही है, मजाक नहीं। तेरा मजाक ना, एक दिन मुझे हार्ट अटैक दे देगा, मर जाऊंगी मैं। यार ऐसे मत बोलो मां, आई लव। अच्छा सुन, मुझे ऐसा लगता है कि ना अब तुझे शादी कर लेनी चाहिए। देखना मैं प्रीता को देखती हूँ ना करण के साथ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो कितनी खुशकिस्मत है, उसे करण जितना प्यार करने वाला पति मिला, इतना अच्छा परिवार मिला। तो मैं चाहती हूँ कि तेरी भी शादी हो जाए। माँ आप मुझे शादी करके घर से हटाना क्यों चाहते हो? मतलब आपको मेरे साथ रहने में कोई प्रॉब्लम है क्या? शादी वादी के बाद कहाँ कर रहे हो मम्मा आप कुछ भी? हाँ तू तो जानती है ना, तू मेरे दिल में रहती है और कहीं भी जाएगी ना हमेशा मेरे साथ रहेगी। लेकिन मैं भी चाहती हूँ ना कि तेरी शादी एक अच्छे से लड़के के साथ हो जाए, जो तुझे उतनी प्यार करे, उतनी इज्जत दे, तुझे संभाल के रखे, क्योंकि तेरा दिमाग थोड़ा कम है ना। माँ बस तेरे लिए एक अच्छा सा लड़का मिल जाए और मैं तेरी शादी कर दूँ। अम्मा आप कुछ भी बोलते रहते हो। अरे सलरा बहन जी, इस चीज के लिए तो आप बस मुझे बोलिए। अरे सुधा कैसी है? आजा आजा, ये लीजिए गणेश जी का प्रसाद लाई हूँ। ओहो आजा बैठ, गणपति जी का प्रसाद। हेलो सुधा आंटी। हेलो बेटा, पता है मैंने आपकी मनसा भी सुन ली। वो आपको पता है मेरे पास ना बहुत अच्छे घर के रिश्ते आए हुए हैं, आप कहे तो मैं कल आके उन लड़कों की तस्वीरें दिखा देती हूँ। अरे नेकी और पूछ पूछ, एक काम कर तू सारी तस्वीरें लेके कल आई जा, तस्वीरें देख लूंगी, जो लड़का अच्छा लगेगा ना। अच्छा रुक रुक, जा जा जाके हमारे लिए चाय लिया, और सुन वो नमक पारे पड़े है ना, और वो मिठाई जल्दी वो भी लिया। ओ गॉड, लगता है माँ मेरी शादी करवा के ही मानेगी।